नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हाल की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाला हूं कि एक तो गरीबों के लिए मुफ्त अनाज और दूसरी उज्ज्वला गैस योजना में जो अब सब्सिडी की तारीख बढ़ाई गई है उसके बारे में जो अपडेट है, और इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए वो जाने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कीजिए। साथियों, देखिए, मुक्त अनाज मजदूरों को घर समेत कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी। ईपीएफ उज्ज्वला योजना में भी राहत दी केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ईपीएफ उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व सरकारी बीमा कंपनी और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना संबंधित फैसलों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों व मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने और देने का फैसला किया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के बारे में। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर योजना को सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तो दोस्तों, उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो आपको मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है उसकी तारीख सितंबर 2020 कर दी है। आप खुद प्रूफ के साथ देख सकते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए, उन्हें अधिक स्थिर बनाने के लिए उनमें 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की भी मंजूरी दी है। दोस्तों, हाल ही की जो 3 ब्रेकिंग न्यूज ईपीएफ को लेकर, उज्ज्वला को लेकर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर 3 लेटेस्ट जानकारी बताई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, 1 लाइक और 1 शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।